अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी बैंक में खाता खोलने की ज़रूरत है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। या फिर आप कोई भी पर्सन हैं और आपको बैंक में खाता खोलने की ज़रूरत है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फिनकेयर बैंक में अपने मोबाइल फ़ोन से खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद आपके घर पर एटीएम कार्ड भेज दिया जाएगा पोस्टल द्वारा। अब वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बताया हूँ खाता खोलने से लेकर मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करने तक। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। आपको सर्च बार में टाइप करना होगा finkerbank.com, लिखकर सर्च कीजिएगा, इस वेबसाइट पर आ जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहे हैं, तो हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रोम मोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो हम ढूंढते हैं किधर गया। हाँ ये देखिए 101 और फर्स्ट लिख के आ रहा था, ये 101 और फर्स्ट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे फिल करना है। अब मैं ओटीपी डाल चुका हूं, यहां पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर डालना होगा, मैं डाल लेता हूं। अब देख सकते हैं मैं ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर डाल दिया हूं, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आई अग्री जो लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उससे पहले इसको आप पढ़ सकते हैं, जितना लिमिट मिलेगा इसका गाइडलाइन और भी बहुत कुछ है जो कि आप बहुत आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम आई अग्री पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे दूसरा पेज खुल के आ गया है, जहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना होगा। अब देख सकते हैं मैं आधार नंबर डाल चुका हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जो आधार कार्ड बनाते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाले होंगे उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा। अब देखिए मैं ओटीपी डाल चुका हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आधार कार्ड का सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आधार कार्ड का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सीधा आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। अब देख सकते हैं मैं पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर से आपका करंट एड्रेस जो भी है सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप इस पर क्लिक करके आपका अपना करंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्वाइप करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको तो सबसे पहले तो आपका सेल्फी अपलोड करना होगा, उसके बाद एक सादा कागज पर आपका सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, फर्स्ट में आपका सेल्फी और दूसरे में आपका सिग्नेचर। चलिए मैं भी अपलोड कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं सेल्फी और सिग्नेचर अपलोड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका मैरिज स्टेटस पूछेगा, तो यहाँ पे मैरिड पे मैरिड या अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन पूछेगा, एजुकेशन में आप क्या डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपका एनुअल इनकम क्या है वो सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका इक्विपमेंट पूछेगा, तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सैलरीड डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछेगा, तो हम यहाँ पर हिंदू डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम पूछ रहा है, तो मदर्स नेम डाल देते हैं। अब देखिए माँ का नाम डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट ही खोलना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे टिक रहने दीजिएगा, उसके बाद सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नॉमिनी नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो हम अभी फिलहाल में रहने देने वाले हैं, बाद में नॉमिनी नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका टर्म कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड और चेकबुक जो है, चेकबुक आपको केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपसे एक कस्टमर आएगा कांटेक्ट करने के लिए फिनकेयर का, और फिर आपका फुल केवाईसी करेगा और फिर आपको चेकबुक दिया जाएगा। फिलहाल में आपको डेबिट कार्ड आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। बैक पर क्लिक करने के बाद ये आपको कैसा लगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे आपको ये बता रहा है कि मतलब मैं ये अकाउंट 8 मिनट 27 सेकंड में अकाउंट खोल चुका है। तो यहाँ पर जो है हम लास्ट वाला डाल देते हैं या फिर यहाँ से हम बैक कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका ब्रांच किस जगह होगा, सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल प्ले पर क्लिक कर देते हैं और इसका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। अभी वीडियो पे बने रहिएगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। अब देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड होके और ये इंस्टॉलिंग में लगा हुआ है, इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरह क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय ये ऐप में किसी भी तरीका से कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब जितना मर्जी आप कोई भी चीज़ को दबा लो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो कस्टमर आईडी डालना होगा जो आपको अकाउंट बनाते समय अभी मिला था। चलिए हम कस्टमर आईडी डाल लेते हैं। अब कस्टमर आईडी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल लेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर जिस तरह होगा उसी तरह यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा। तो हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करते समय डाले होंगे, जैसे कि देख सकते हैं। अब देखिए, मैं ओटीपी डाल चुका हूँ और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, एम पिन सिलेक्ट करना होगा। चलिए एम पिन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एम पिन डाल दिया, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो होके आ जाएगा और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है ऊपर में, जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू फिनकेयर मोबाइल बैंकिंग। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके बटन पर सीधा क्लिक करते हैं। और देखिए, यहाँ पे फिर से यूज़र आईडी डालना होगा और एम पिन डालना होगा। यूज़र आईडी बस आपको एक बार डालना है, उसके बाद जब भी आप लॉग इन कीजिएगा आपको सिर्फ एम पिन डालना होगा। चलिए यूज़र आईडी डाल लेते हैं। एम पिन और यूजर आईडी मैंने डाल दिया, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक किए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट का जितना बैलेंस होगा यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे चाहे तो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एफडी ओपन कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे चेंज पिन कर सकते हैं और उसके बाद और भी स्वाइप करके यहाँ पे ब्रांच देख सकते हैं कि किस किस जगह ब्रांच है तो इसका। खाता खोलने से लेकर मोबाइल बैंकिंग में कैसे रजिस्टर करना है ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब आपके घर पे एटीएम कार्ड भेज दिया जाएगा और चेक बुक आपको फुल केवाईसी करने के बाद मिलेगा। फुल केवाईसी करने के लिए आपको फिनकेयर बैंक के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और फिर आपको चेक बुक भी दिया जाएगा। फिनकेयर एटीएम से आप 1 महीने में 8 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि अदर्स बैंक 3 बार से ज़्यादा नहीं देता है। अगर आप इसको मेन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। और अगर आप कहीं बाहर रहना चाहते हैं और बार बार आपको पैसे भेजने की ज़रूरत पड़ता है तो ये बैंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में है।
सो, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, कोई भी सवाल है आपका नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।